कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा का कहना है कि रामस्वरूप शर्मा से सिर्फ सीएम ही नहीं बल्कि पीएम भी दुखी हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में आकर खुले मंच से अपने लिए समर्थन मांगा, जबकि भाजपा प्रत्याशी का जिक्र तक करना उचित नहीं समझा। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आश्रय शर्मा ने कहा कि सांसद की नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सांसद ने कुछ किया होता तो प्रधानमंत्री उनका जिक्र करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आश्रय ने कहा, प्रधानमंत्री हर बार मंडी आकर खाने पीने की बातें करके चले जाते हैं। आश्रय ने कहा कि अगर मोदी जी ने मंडी की सेपू बड़ी खाई है तो उन्होंने भी गुजरात का ढोकला खाया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विकास का है, ना कि खाने पीने की बातें करने का। कि पहले तो मुझको पूर्ण विश्वास था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ही रामस्वरूप शर्मा जी से हैरान और परेशान है, परंतु अब ये भी स्पष्ट हो गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रामस्वरूप शर्मा जी की नाकामियों से परेशान और त्रस्त हैं, क्योंकि उनके प्रचार के लिए आए हुए थे और उन्होंने उनके नाम पे वोट मांगने का गुजारिश भी नहीं की। और जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेपू बड़ी की बात की है, तो उन्होंने सेपू बड़ी खाई है तो हमने भी ढोकला खाया, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये कोई खाने पीने का मुकाबला नहीं चला है। ये कोई चुनाव जो है खाने पीने का नहीं है, काम का चुनाव है। आश्रय शर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार चुनावों में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की चुनावी रैली में सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, सीएम मंडी में डेरा डाल के ठेकेदारों और अन्य लोगों पर जबरन पार्टी के लिए काम करवाने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। कांग्रेस के नेताओं पर चुनाव आयोग नजर रखे, जबकि भाजपा के नेताओं को खुली छूट मिली है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, प्रदेश महासचिव नागेश्वर चौहान, जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष शशि शर्मा और अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग क्या देख रहा है, किसकी समीक्षा कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर खुले रैलियों पे सरकारी ट्रकों का आवाजाही होगी सामान के साथ और फिर इलेक्शन कमीशन चुप है, तो मैं अब इसमें कुछ क्या बोल सकता हूँ, ये आपके मैं ऊपर छोड़ता हूँ। एक तरीके से सरकारी तंत्र का पूरे तरीके से दुरुपयोग किया गया उस रैली को कामयाब करने के लिए। मुख्यमंत्री जी खुले तौर पे मंडी में 20-25 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और खुले तौर से ठेकेदारों को अपने पास आमंत्रित कर रहे हैं, उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, मेरे को फोन करके बताया जा रहा है प्रलोभन दिए जा रहे हैं, महिला मंडल को प्रलोभन दिए जा रहे हैं और सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री जी तीन तीन चार चार बार लोगों को फोन कर रहे हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर जहां भारतीय जनता पार्टी और ये चुनाव आयोग जो है हमारे ऊपर निगरानी रखी हुई है, हमारी गाड़ियां चेक करी है, थोड़ा चेकिंग जो है इनकी भी की जाए। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताजा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।